मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजनाओं से संबंधित ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण विषय पर भागलपुर समाहरणालय कक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायती राज पदाधिकारी अपूर्व मधुकर ने किया। जिले के सभी वीडियो को प्रशिक्षण दिया गया है। सन्मार्ग भागलपुर से इकरामुल हक की रिपोर्ट। नंबर 2 वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन। नंबर 3 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के 2019-20 तक लक्ष्य प्राप्त करना है। हर घर को पेयजल देने और हर घर तक नली गली की पहुंच बनाने के लिए, इसमें दो विभाग नल जल में दो विभाग काम कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना जो ग्रामीण विकास के तहत जो कार्य हो रहा है पंचायती राज विभाग का, जिसमें कि वार्ड के माध्यम से कार्य हो रहा है, और आर्सेनिक और क्लोराइड प्रभावित जो पंचायतें हैं वहाँ पर सूची के माध्यम से कार्य होना है। तो वो सूची हम लोगों के पास है। एक सूची अभी जो मुझे मिली है, तो इसमें इस सूची में बार बार संशोधन होता है। तो मुझे जो अपने प्रखंड की सूची मिली, अभी मैं देखा कि मेरे यहाँ 10 पंचायत का आया हुआ है, वो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा आया होगा, 10 पंचायत पीएचडी का दिया हुआ, जबकि मेरे यहाँ 6 पंचायत पीएचडी को करना है, 13 पंचायत वार्ड प्रबंधकारी एवं कार्यान्वयन समिति को करना है। तो वो आप लोग कृपया देख लेंगे। सबसे पहली बात, वार्डों के चयन में जो मुख्य बात थी, योजना के तहत ग्राम पंचायत के सभी वार्डों, जैसे वार्डों का चयन का मतलब क्या है, जो राशि हम लोगों को मुख्यमंत्री साहब निश्चय योजना में प्राप्त हुई, तो वो राशि उतनी नहीं है कि एक बार अपने प्रखंड में काम शुरू कराया जा सके। तो इसके लिए निर्धारित हुआ कि साल वाइज पहले साल में 20%, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 30%, और लास्ट चौथे साल में 20%। इस तरीके से वार्ड का चयन होगा और 4 साल में 100% पंचायत का आच्छादन कर लिया। तो इसमें अब पहले साल में कौन 20% होंगे, इसको लेकर भी विवाद हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन दिया, वो 20% में कौन से वार्ड होंगे। तो मैं जरा बता देता हूँ कि क्या है इसमें, कि सभी वार्डों की स्थिति का आकलन करते हुए योजनाओं के चयन ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण सर्वप्रथम संख्या के बहुलता के आधार पर जनसंख्या के घटते क्रमानुसार किया जाएगा। यानी जहां सबसे अधिक SC/ST की जनसंख्या होगी, वो सबसे पहले वार्ड का चयन। इसके पश्चात अगर वार्ड अवशेष रहते हैं, यानी कि वहां पर कोई SC की जनसंख्या नहीं है, तो द्वितीय प्राथमिकता के निर्धारण कुल जनसंख्या के घटते क्रम पर किया जाएगा। यानी कि SC/ST खत्म हो गए, अब वहां पर नहीं है और 4 वार्ड बच गए, तो उन 4 वार्डों में कौन वार्ड दिया जाएगा, तो जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद घटते क्रम में हम लोग लेते चले जाए। तो वार्ड की चयन की ये प्रक्रिया है। इसी आधार पर हम लोग क्रम अनुसार 20-30-30-20 का हम लोग रेशियो को मेंटेन करते हुए हम लोग इसको ग्राम सभा से